तो हमें प्लगइन बनाने की तब जरूरत पड़ती है उस केस में जब हमें डेटाबेस में सेपरेट टेबल बनाना हो, बहुत एडवांस वर्क करना हो, उसके शॉर्ट कोड बनाने हो, पूरा का पूरा कस्टम काम हमारा होएगा। अब हम आते हैं प्लगइन्स पर आ जाते हैं। हम लोग किस डायरेक्टरी में थे? प्लगइन्स की डायरेक्टरी। अब यहाँ पर आपको प्लगइन बनाना है, जैसे मैंने एक बनाया है मैं जिनटो गुरु LMS, अब इसी तरह से मैं दूसरा बना लेता हूँ किसी भी नाम से। मैं बनाना चाह रहा हूँ क्रड, ठीक है, तो मैं जिनटो गुरु क्रड में बना लेता हूँ, एम गुरु क्रड नाम से मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है, मैजेंटो गुरु क्रड, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा मैं। ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे फंक्शन है, बस वो याद करते जाना, हो जाएगा काम आप लोगों का। ये थीमिंग वाला पार्ट था, अभी हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग आएंगे प्लगइन्स में। ये एम गुरु क्रड, इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ, index.php, ठीक है। अब यहाँ पर php में स्टार्ट करता हूँ, php यहाँ पर प्लगइन नेम, ठीक है, प्लगइन का क्या नाम है, अभी क्रड सीख लोगे तो सब कुछ कर लोगे, क्रड ऑपरेशन ही मेन होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्लगइन डिस्क्रिप्शन, वी विल परफॉर्म क्रड ऑपरेशन इन दिस प्लगइन, ठीक है, कमेंट कोड में लगाता जा रहा हूँ, आपको तभी आएगा प्लगइन, या फिर ऑथर केवल लिख दो, डिस्क्रिप्शन प्लगइन डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑथर आप नाम दे देना, वर्जन वर्जन इसलिए डिक्लेयर करते हैं फ्यूचर में, मान लीजिए मुझे कुछ अपडेट करना है तो नेक्स्ट वर्जन जो मैं यूज करूंगा, जैसे 1.0 अभी मेरा वर्जन है तो नेक्स्ट वर्जन 1.2 करूंगा, बस इतना ही दे दो, इतना बहुत सफिशियंट है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं एडमिन में कुछ ऑप्शन आया कि नहीं आया। प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, देखो यहाँ पर आ गया होगा एक प्लगइन, ये देखो कस्टम लर्निंग क्रड, यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन अपने आप आ गया है ना, ये हमने बनाया था, वी विल परफॉर्म क्रड ऑपरेशन इन दिस प्लगइन, ठीक है। तो हम लोग क्या इससे, ये डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, वर्जन कहाँ पर आया, वर्जन इसमें आया नहीं, वर्जन के लिए आई थिंक कुछ और देना पड़ेगा, इससे वर्जन है ना, यहाँ पर वर्जन भी आना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक कोई प्लगइन ओपन भी कर लो, उसका इंडेक्स देख लो, देखो ये सब चीज़ें तो हम देखी देखी जा सकते हैं, कोई जिसको मिल सकता है फ्री कॉमर्स, ये सब तो बहुत अलग तरीके से बनाया है,
ये तो कुछ प्लगइन दिया ही नहीं, साइलेंस इसको होगा। प्लगइन नेम ये हो गया, ठीक है। प्लगइन देना पड़ेगा, प्लगइन का यूआरएल भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सही दिया मैंने, ऑथर भी सही दिया है, ऑथर का यूआरएल दिया हुआ है, डोमेन देना है दे सकते हो, डोमेन का पाथ दे सकते हो, वर्जन दे सकते हो, प्लगइन का गिटहब का पाथ है तो भी दे सकते हो। तो इस तरह से देते हैं, प्लगइन यूआरआई डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑथर AUTH हुआ, ऑथर तो हमने शायद दिया हुआ है, AUTH हुआ, वर्जन भी हमने दिया हुआ है, वर्जन भी इसमें सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देते हैं, प्लगइन का यूआरएल वगैरह देना है, अगर आपका कोई वेबसाइट पर अपलोड किए हो तो दे सकते हो आप। तो अब इसके बाद क्या हमारा काम आता है, इसके बाद हमारा आता है एक्टिवेशन हुक। अब एक्टिवेशन हुक के बारे में, हुक पहले क्या है वो जान लो, प्लगइन एक्टिवेशन हुक, एक्टिवेशन हुक, डीएक्टिवेशन हुक क्या होता है। अब ये रजिस्टर एक्टिवेशन हुक फंक्शन, इसी के थ्रू हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक स्ट्रिंग कॉल बैक फंक्शन, जो फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें हम स्क्रिप्ट अपनी लिखेंगे। तो ये फंक्शन सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर लेंगे सर, ये देखो एक्टिवेशन, इसमें नेट क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड डालना, इसमें एक वर्डप्रेस का प्लगइन उसका एड ऑन आता है कस्टमाइजेशन का, ठीक है, उसकी लाइब्रेरी अपने आप कॉल करने लगेगा तो उसे इंस्टॉल कर लेना, तभी ये सब आएगा। जैसे मेरे में दिखा रहा है ना कि सारे फंक्शंस आपके रजिस्टर नाम से कौन कौन से बने हुए हैं। अब यहाँ पर फाइल स्ट्रिंग कॉल बैक कॉलेबल जो फंक्शन बनाएंगे, अब हमारा फाइल क्या हुई, मैंने उसका डॉक्यूमेंट पूरा बनाया हुआ है, अब देखो यहाँ पर फाइल, ये फाइल का पाथ है और ये कॉल बैक फंक्शन है हमारा, टेबल क्रिएटर किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो रजिस्टर एक्टिवेशन हुक में हमने क्या क्या लिखना है, ये इसने सीधे सीधे बताया हुआ है, फाइल स्ट्रिंग किस तरह से होगी हमारी। अब ये यहाँ तक की फाइल का पाथ ले लेगा, ठीक है, देखो आ भी गए यहाँ पर फाइल, कौन सी फाइल आपकी होगी, फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल, ये नीचे वाला जो हमारा है, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन में हमारा यहाँ पर कॉल बैक लिखोगे, वेरिएबल हटा देना, यहाँ पर मैं क्रिएट सर, ये जो फाइल है ये फाइल कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन हुक में, अब यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे। अब देखो ये एक्टिवेशन हुक है, इसे हुक बोलते हैं, ये क्या करेगा, अब जब आप एक्टिवेट करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, जो ये फंक्शन का हमने कॉलेबल दिया हुआ है, इसमें फंक्शन में जो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, जैसे फंक्शन का ये सिंबल होता है, फंक्शन का नेम क्या होता है, ये जो नाम आप अपने बनाया हुआ है, ये हो गया आपका, ठीक है, सिंबल स्मॉल ब्रेसल कर्ली ब्रेसल। अब यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखोगे टेबल क्रिएट करने की, लेकिन अभी मैं केवल ये लिखता हूँ, एक्टिवेशन हुक
एक्टिवेटेड, ये मैसेज दिखेगा नहीं, इसके अंदर परफॉर्म होएगा केवल। तो ये क्रिएट टेबल ईगो प्लगइन एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक्टिवेशन का दिखा भी देगा। तो लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट टेबल की जो स्क्रिप्ट होती है वो चलाएंगे। सबसे पहले आप एक्टिवेट करके देखो, अब एक्टिवेट हो जाएगा आपका प्लगइन। यहाँ पर एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब एक्टिवेट पे जनरली क्या होना चाहिए, डेटाबेस में टेबल बननी चाहिए, ठीक है। प्लगइन कुड नॉट बी एक्टिवेटेड बिकॉज इट ट्रिगर अ फैटल एरर। फैटल एरर आ रही है कहाँ पर, क्रिएट टेबल अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट, क्रिएट टेबल कॉन्स्टेंट अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, लाइन नंबर है। सॉरी, ये एक्चुअली आपका ब्रेसल में आएगा ना, स्मॉल ब्रैकेट में, तभी तो कॉलेबल पैरामीटर इसको रीड करेगा। अब ये हमारा एरर नहीं देगा, वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फीड कर रहा है। ये एक्टिवेट हो गया हमारा, कुछ है वो उससे रिजॉल्व करते हैं। अब उसके बाद देखो इसके अंदर क्या लिया हुआ है, ग्लोबल WPDB। ये ग्लोबल WPDB क्या है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। ये जब तक यूज़ नहीं करोगे डेटाबेस में कनेक्टिविटी आपकी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप PHP में करते हो, वेरिएबल लेते हो, कनेक्शन का वेरिएबल लिया, फिर उसमें पैरामीटर पास किया। इसमें पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लगइन के अंदर है, तो एक ग्लोबल डिफाइन कर दोगे तो ऑलरेडी ये वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। ये वेरिएबल आपको देखना है तो ये अपग्रेड .php फाइल है, इसमें आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग पहले ये देखते हैं ग्लोबल WPDB और कैरसेट कोलेट। ये कैरसेट कोलेट WP कैरसेट जो UTF-8 सेट होता है डेटाबेस में, याद है स्टार्टिंग में जब PHP में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था UTF-8 फॉर्मेट वगैरह जो होता है। तो अब ग्लोबल WPDB, फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम आपको क्या लेना है, अगर फिर हमारी क्वेरी चलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोबल WPDB और यहाँ तक हम लेते हैं और एक बार एक्टिवेट करके हम देखते हैं कि हमारी टेबल जो है क्रिएट हो रही है कि नहीं। अब इस फंक्शन में हम जाएंगे, अब ग्लोबल WPDB हमने डिफाइन कर दिया, डेटाबेस ग्लोबल वेरिएबल जो कि कनेक्टिविटी करेगा। फिर हमारा कोलेट फंक्शन लिया, गेट कैर सेट, यहाँ पर टेबल का नाम दे दो कट्स, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स ऑलरेडी, ये WPDB ये प्रीफिक्स फंक्शन को कॉल करेगा, जो प्रीफिक्स हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी ले लेगा, टेबल का नेम बन जाएगा, जैसे कि WP_CRUDS ये टेबल का नाम बन जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि SQL में देते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर टेबल ऑलरेडी है तो उसको एग्जिस्ट कर दे, ड्रॉप कर दे, ठीक है। फिर क्रिएट टेबल, जैसे PHP में आप उसमें MySQL में क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ID, इंटीजर, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, MP ID, जो जो आपको लेना है ऐसे आप लेते जाओ। फिर यहाँ पर कॉल सेट कॉल कर दो, फिर यहाँ पर आप एक काम करोगे, रिक्वायर वंस एब्सोल्यूट पर WPAdmin includes upgrade.php, इतना आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बाद db delta, एक फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है upgrade.php में होगा, ये includes upgrade.php, includes
देखो सब बना हुआ इसमें, मेनू, इंपोर्ट, इमेजेस, सारा फंक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। अपग्रेड डॉट पी एच पी, ठीक है। इसमें देखोगे इंस्टॉल की स्क्रिप्ट बनी हुई है, इंस्टॉल की बनी हुई है, इंस्टॉल करने पर क्या क्या कॉल होगा, डीबी डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। इसके अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, तो यही फंक्शन हम इसी फाइल को इंक्लूड करेंगे, फिर इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, इस वाले फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे डीबी डेल्टा, ठीक है। तो आप देखते हैं, आप इसको अनइंस्टॉल करो एक बार, प्लगइन को डीएक्टिवेट करो, फिर से एक्टिवेट करते हैं, हमारी टेबल बन जानी चाहिए। ये देखो अब एक्टिवेट करते हैं, अभी देखते हैं करंट नाम से कोई टेबल है कि नहीं इसमें, इसी सॉरी इस वाले ब्लॉग वाले टेबल में, डेटाबेस में, इसमें देख लो, इसमें मैम एम गुरु नाम से है लेकिन उस नाम से नहीं है, कंट्रोल एफ, नाम से नहीं है, 50 टेबल्स हैं अभी इसमें, 50 टेबल्स होंगी, 50 टेबल्स हैं, देखते हैं। प्लगइन एक्टिवेटेड, राइट, एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर देखो टेबल बनी कि नहीं बनी, अगर कुछ एरर होगी तो नहीं बनेगी, नहीं ये बन गई आपकी बीजी क्रेड्स, प्रीफिक्स ऑलरेडी ले लिया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, यहाँ पर आईडी हो गया, प्राइमरी की है, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, फ़ोन नंबर, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? यस सर। बहुत छोटा सा कोड लिखा हुआ है, ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी, ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी अगर सर्च करोगे, आप सर्च करते जाओ, एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ, क्योंकि ये आप फ्रंट में भी डेटा फेस करोगे ना कभी क्वेरी के थ्रू, तो यही यूज़ करोगे। हम लोग पहले क्या करते थे, जब ये सब बहुत सारे ऑप्शन तो अब और आ गए हैं, लेकिन पहले हम लोग पेज में भी डेटा यही क्वेरी यूज़ करके फेस कर लेते थे अपने अकॉर्डिंग। क्लास डब्ल्यू पी डी बी, ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी एक ऑब्जेक्ट है, विच इंस्टेंशिएट ऑफ द डब्ल्यू पी डी बी क्लास बाई द डिफॉल्ट डब्ल्यू पी डी बी इनिशिएटेड टॉक टू द वर्डप्रेस डेटाबेस, ये वर्डप्रेस डेटा से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, टॉक करता है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये दिया हुआ गेट रिजल्ट वगैरह करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको कहीं पर भी इससे डेटा फेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब ये क्वेरी फेस करने का तरीका भी आ गया आएगा हमारा। तो ये काम हो गया आपका ग्लोबल डब्ल्यू पी डी बी, ये कॉल सेट, ये वेरिएबल हमने ले लिया है, ये मेन एक काम है, डब्ल्यू पी डी बी गेट कैल सेट कोलेट फंक्शन, ठीक है, गेट कैल सेट कोलेट फंक्शन आपका जो यू टी एफ 8 होता है, डेटाबेस इंजन, ये आपका यू टी एफ 8 कहाँ गया, यू टी एफ 8 फॉर्मेट जो होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हो गया, अब टेबल हमने एक वेरिएबल लिया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये तो समझ आ रहा होगा, कोई इसमें इशू है नहीं। फिर उसके बाद हमने टर्मिनेट किया, क्वेरी देखते हो, ध्यान रखते हो कैसे चलती है, सेमी कॉलन देना पड़ता है, क्या है जो लिखा हुआ वो क्या, क्या चीज, प्रीफिक्स, उस पे कॉल कर लो ना ग्रुप में, उस पे, इस पे म्यूट कर देता हूं मैं, व्हाट्सएप पर, हेलो, हाँ सर,
अभी आप ये पूछ रहे हो ये जो प्रीफिक्स लिखा हुआ ये प्रीफिक्स आपका होता है ये वाला पार्ट ये जो पीजी लिखा है ना अब जब आप वर्कवर्ड पे इंस्टॉल करते हो तो ध्यान दिए होंगे यहाँ पर डब्ल्यू पी अंडरस्कोर आता है तो हमने चेंज कर दिया है जब उसी टाइम पहुंचता है चेंज कर दो क्योंकि हैकर जो होते हैं गेस कर लेते हैं WP तो डिफॉल्ट होता है अब मैंने BG दे दिया XYZ दे दिया तो उनको गेस कैसे कर पाएंगे उसने क्या दिया हुआ है ना सिक्योरिटी पर्पस से इसको चेंज कर दिया जाता है और जब प्रीफिक्स कॉल कर रहा है ये इतने पार्ट को कॉल कर रहा है ठीक है उसके बाद नाम को ऐड कर दे रहा है ना जैसे BG अंडरस्कोर ये इसका मतलब है और सर सर ये ला बोल दीजिएगा कैर सेट कोलेट जो है इसका काम क्या है इसका काम है डेटाबेस का फॉर्मेट अगर देखो डेटाबेस का हर कंट्री में हर जगह अलग अलग फॉर्मेट चलता है ठीक है उसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज करना है तो अलग अलग चीजें चलती है तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड है UTF-8 तो ये UTF-8 को वो करता है UTF-8 प्रिंट करता है सॉरी उसमें सेव करता है डेटाबेस का फॉर्मेट सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर जो टेबल का फॉर्मेट आपका बनेगा ये वेरिएबल टेबल नेम में तो टेबल नेम का वेरिएबल चला गया WPDB और वो जो फाइल ली है रजिस्टर एक्टिवेशन हुक में वो जो फाइल किया फाइल के बाद ये हां ये जो है फाइल आपका यहां तक का पाथ इस फाइल का इंडेक्स डॉट पीएसपी फाइल का पाथ ये इसके अंदर आ गया कि कहां पर ये रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हुक की फाइल है नहीं तो ये रीड ही नहीं करेगा इसको आपका एक तरह से जैसे आपका होता है ना MySQL query जैसे MySQL query फंक्शन है आपका बस वही काम कर रहा है उसके अंदर पूरा कंबाइन करके डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह उसका टेबल को एक्सपोर्ट करने का फंक्शन है इसको नहीं दोगे तो ये वाली फाइल में जो डीबी डेटा फंक्शन है उसको कॉल नहीं कर पाएंगे हम डीबी डेटा फंक्शन update.php में डिफाइंड है ये जो है डीबी डेटा आपको कॉल करना है तो फाइल इंक्लूड करना पड़ता है हेडर को इंक्लूड करना पड़ता है ना जी सर तो ये क्वेरीज के लिए बना हुआ ब्लैंक क्वेरी के लिए बना हुआ है तो यहां पर डीबी डेटा फंक्शन को हमने कॉल किया उसमें रैप अप कर दिया अपनी जो हमारी टेबल है ठीक है जो हमारी स्क्रिप्ट है कोई कॉल करेगा तो वैसे कॉल नहीं होगा जी आप कोई डाउट है नहीं सर चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेविगेशन वाला पार्ट उतने पे छोड़ दूंगा प्रैक्टिस करना ठीक है उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे अभी मैं एक नेविगेशन एक बनाकर दिखा देता हूं है ना ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं हम अब देखो इतना आपका काम हो गया ऐड एक्शन अब हमें एडमिन मेन्यू ऐड करना है ठीक है अब इसमें भी सेम काम करना है आपको एडमिन मेन्यू यहाँ पर ऐड एक्शन फंक्शन दूसरा आपका ऐड एक्शन ये भी एक हुक है एडमिन में मेन्यू बनाना है तो एक पैरामीटर हमारा हो गया दूसरा जो भी मेन्यू का जो भी फंक्शन बनाना है उसके अंदर क्या पैरामीटर देना है तो ऐड एक्शन अब यहाँ पर आओ लिखो आप इसके नीचे आपका ये फंक्शन खत्म हो गया ठीक है यहाँ पर मैं कमेंट दे दे रहा हूँ ये एडमिन मेन्यू क्रिएट डेटाबेस
केबल एक्टिवेशन हो, ठीक है, क्लियर है, ये एक्टिवेशन हो गया, ये आपकी टेबल क्रिएट करने का हो गया, ये हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू के लिए हमारा फंक्शन है, पहले तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ऐड एक्शन। अब देखो ऐड एक्शन हमारा आ गया, ऐड एक्शन हमने दिया हुक नेम, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, प्रायोरिटी कहाँ पर ऊपर नीचे कहाँ दिखाना है वो हमें जरूरी नहीं होता, तो इसको मैंने हटा दिया। अब हुक नेम हमारा क्या हो गया, मेन मेन्यू, कॉल बैक फंक्शन में हमारा क्या है, कॉल बैक फंक्शन गुरु कस्टम प्लग मेन्यू, ठीक है, ये फंक्शन है आपका, इसको टर्मिनेट करो। अब एक फंक्शन बना दो, फंक्शन फंक्शन किस नाम से, ध्यान रखना जो कॉल बैक फंक्शन है उसी नाम से बनाओगे तभी कॉल होगा, अदरवाइज एक्शन हुक रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका हो गया, अब यहाँ पर ऐड पेज मेन्यू ऐसा करके एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड है, तो वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया ऐड मेन्यू पेज, देखो ये आ गया ऐड मेन्यू पेज, लिखेंगे तो पेज का टाइटल 4-5 पैरामीटर देना होता है, वो अपने आप ही आ जाएगा, ऐड पेज, ऐड मेन्यू पेज। अब इस फंक्शन के अंदर हम देंगे ऐड मेन्यू पेज, देखो अपने आप सारा पैरामीटर्स आ गए, अब आपको केवल देना है, अपने आप वहां पर आ जाएगा हमारा पेज टाइटल। अब टाइटल में आप क्या दोगे, टाइटल में मान लो हमने दे दिया क्रड, स्ट्रिंग है आपकी, तो स्ट्रिंग कैसे होगी आपकी, क्रड ऑपरेशन, दूसरा मेन्यू का टाइटल, क्रड परफॉर्म कैपेबिलिटी में हम दे सकते हैं, कैपेबिलिटी में मेन्यू टाइटल, अच्छा ऐसे दिया हो, पेज टाइटल हो गया, मेन्यू टाइटल हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, ऑपरेशन कैपेबिलिटी में मेन्यू, ठीक है, मेन्यू का स्लग जो यूआरएल बनेगा, मेन्यू का स्लग मेरा बनेगा कॉल बैक फंक्शन में कुछ भी नाम दे दो, आइकन हमारे पास है नहीं,
जरूरत नहीं है, पोजीशन की भी हमें जरूरत नहीं है। कहाँ गलत है? फिनटेक्स एरर इंस्पेक्टेड टोकन कॉलन 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 सब जगह तो सही तो है। सही है, ठीक है। अब आते हैं, अभी हमारा पेरेंट बना हुआ है, इतना क्यों करना? कॉपी कर ले रहा हूँ उसको, मैं धीरे धीरे कर दूंगा। पेज टाइटल हो गया हमारा, टाइटल कैपेबिलिटी मैनेज ऑप्शंस स्लग, ठीक है। यहाँ पर दे दो, समझाता हूँ ये क्या है। स्लग कॉल बैक हमने दे दिया, भी ये तो अपने से दे सकते हो पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये हो गया, इसको भी कमेंट कर दो। ये आपका आ गया क्रड। अभी इसमें जैसे इस पे देखो माउस और पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अभी फैटल एरर, हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं। कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे तो उसमें वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर हम फंक्शन बना लेते हैं जो हमने कॉल बैक फंक्शन दिया हुआ। अब ये कॉल बैक जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए उसके क्लिक पर, ठीक है। और यू आर एल में आपका बनेगा ये क्रड, जैसे कि यू आर एल में बन रहा होगा अभी भी। ये देखो क्रड बन रहा है, तो उस पर एक कुछ न कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें और बनाना पड़ेगा, फंक्शन दिस इको कस्टम लॉगिन। Thank you.
आपका ये जो कॉल बैक फंक्शन हमने लिया था, अब इसके क्लिक पर, वहां पर जो नेविगेशन आ रहा है उसके क्लिक पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। बस इसमें ऐसे ही कंसेप्ट चलता है, कॉल बैक जो फंक्शन होगा उसके क्लिक पर ही चलेगा। आपको देखो कंसेप्ट पता हो जाएगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये तो लाइब्रेरी एक वन टाइम आपको पता है, फंक्शन ने के नेम वही बार बार यूज होने हैं, तो यूज करते करते आ जाएगा। देखो क्लिक करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, कस्टम प्लगइन। ये आ गया कस्टम प्लगइन। अब यहाँ पर टेबल वगैरह जो भी फेच कराना है आपको, ये फेच कर लेंगे, एडिट डिलीट जो भी कराना है यहाँ पर डालेंगे, लेकिन उससे पहले डेटाबेस से डेटाबेस वगैरह फेच करना है तो अभी हमने पेरेंट मेन्यू बनाया हुआ है। अब पहले समझ लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमारा सम क्लियर है, हमने क्या किया, ऐड एक्शन किया, एडमिन मेन्यू, और मेन्यू के लिए कॉल बैक फंक्शन बनाना है, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन में ऐड मेन्यू पेज, अब जो पेरेंट मेन्यू होगा उसे मेन्यू पेज, ऐड मेन्यू पेज, उसके अंदर पैरामीटर्स आपको, पेज का टाइटल हो गया, मेन्यू का टाइटल हो गया, ठीक है, कैपेबिलिटी हो गई कि मतलब कि वो ऑप्शन मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना दिखेगा नहीं, प्रीवियस में कोड में हमने यही गलत किया था, मैनेज ऑप्शन ये लिखना है आपको। मेन्यू स्लग, मेन्यू स्लग आपका क्या है, जो यू आर एल कॉल होएगा, ये वाला जो यू आर एल बन रहा है ये है आपका मेन्यू स्लग, ठीक है, इसे स्लग बोलते हैं। इसी तरह पी एच पी में भी जो स्लग बनाते हैं, तो ये स्लग हो गया, पेज बनाते हो, पोस्ट बनाते हो तो स्लग आपका होता है। कॉल बैक फंक्शन, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉल बैक, जिसके बिहार पर आप क्या कॉल करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर मान लो हमने हेडिंग दे दिया अभी कस्टम प्लगइन। अब यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा काम करता हूँ कुछ HP। Order is equal to one. Here equal to H. अब मान लो कौन कौन सी फील्ड है, पहले तो इंसर्ट का बनाना पड़ेगा हमें, ऐड कराएंगे डेटा, फॉर्म बनाएंगे, तो वहाँ पर एक सब मेन्यू बनाएंगे, ऐड एम्प्लॉय का अलग बना लेंगे, यहाँ पर हम डेटा फेच करेंगे। जो भी है टी आर को एक और कॉपी कर लो, अभी आ गया, यहाँ पर हम डेटा फेस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, तो इसमें सारा काम खुद से करना होता है। तो अभी देखो क्या क्या हमने कर लिया, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक ऊपर का पार्ट हो गया है, फिर क्रिएट एक हुक लिया, ऐड एक्शन, एडमिन मेन्यू, ये फर्स्ट पैरामीटर है, क्या हम बनाने जा रहे हैं, एडमिन पैनल में मेन्यू बनाने जा रहे हैं। दूसरा कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब ऐड मेन्यू पेज, जो पेरेंट मेन्यू कॉल करना है, ऐड मेन्यू पेज, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर, पांच छह पैरामीटर देने होते हैं, ये पैरामीटर दोगे, ये कॉल बैक फंक्शन लोगे। कॉल बैक फंक्शन का काम होता है कि आपको क्या कॉल करना है, उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कॉल बैक फंक्शन, और ये मेन्यू स्लग के भी यहाँ पर यूआरएल में डेटा कॉल करता है, फिर वो फंक्शन कॉल हो जाता है, उसमें जो डेटा हम डालते हैं वो आ जाता है। तो ये हमारा हो गया पेरेंट मेन्यू। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब मेन्यू बनाना, ठीक है, सब मेन्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट डेटा इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डेटा इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पर एक, यहाँ पर सब मेन्यू बनाएंगे, ऐड एम्प्लॉय का, यहाँ पर तो लिस्ट आ ही रही है, यहाँ पर जैसे माउस ले जाते हैं, जैसे इस पर आ रहा है ऐड एम्प्लॉय, तो ऐड डेटा,
ये हम फॉर्म बनाएंगे, सब मेनू उस पर क्लिक करने पर यहाँ पर फॉर्म आएगा हमारा, फॉर्म से हम डेटा सबमिट कराएंगे, डेटा सबमिट कराने के बाद टेबल में डेटा चेक करेंगे इस वाले टेबल में कि हमारे पास अभी क्या क्या डेटा है, उसी डेटा को हम यहाँ पर फेच करेंगे और एडिट डिलीट कराएंगे, फिर उसी डेटा को वेबसाइट पर अपने दिखाएंगे, ठीक है, ये काम करेंगे।